हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन हो गया और भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे, जो उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए गए थे। तो अब एक्सरसाइज आ गई है और एक्सरसाइज में जो हमने एग्जाम्पल बताए थे उस वक्त, उससे भी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पे, और आप लगता है कि आप लोगों ने अगर लगाया होगा एक्सरसाइज तो हो चुके होंगे वो सवाल। तो फिर हम एक्सरसाइज तो हमें कराना ही है, तो चलो एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि हमें बताना है, पांच क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इन पांचों में हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पीछे बताया गया था, अगर हम एक इरेशनल में रैशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो क्या देगा, हमें इरेशनल नंबर ही देगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी इरेशनल या रैशनल को, आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमें ये कंफर्म नहीं रहता कि हमें रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ठीक है। वो हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो इसमें हमें ये पता चलेगा, हमें ये पता करना है कि ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 2.236 समथिंग एंड डॉट 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 डॉट, और ये होती कैसी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं करती है ना, और टर्मिनेट भी नहीं होती है। तो आप इसमें 2 तो माइनस कर दोगे, है ना, 2 हमने माइनस कर दिया यहां से, सपोज हमने 2 माइनस कर दिया, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में 0. ये रिकरिंग वाले पॉइंट डेसिमल के बाद जो रिकरिंग है वो तो हमेशा आते ही रहेंगे। अगर ये हमेशा आते ही रहेंगे तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब पहला हमारा क्या हो गया, इरेशनल। और जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में लिखाया भी था कि किसी भी इरेशनल में अगर हम रैशनल को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा, फाइनली हमें देगा क्या, वो इरेशनल ही देगा, ठीक है। तो इस वजह से पहला क्या हो गया, इरेशनल। आप रीजन भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 3+√23, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, हमें क्या मिलेगा, √23 - √23। हमने यहां पे देखा है, यहाँ भी एक इरेशनल नंबर है, 23 भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये जो 23 है प्लस में और ये 23 क्या है, माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या, 3, जो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस वजह से ये वाला जो एग्जांपल है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहा हूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तो प्लस हो रहा है ना तो माइनस हो रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड या मल्टीप्लाई की बात आएगी तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर पता करेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने यहाँ पे देखा ये कौन सा फॉर्म है, डिवाइड का फॉर्म है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, 2 × √7 एंड 7 × √7, है ना। तो हमने देखा कि ऊपर भी वही √7, नीचे भी √7, तो √7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में चला जाएगा, वहां पर बचेगा क्या, 2/7, क्या बचा, 2/7। ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, कैसा हो गया, रैशनल नंबर, नोट कर लीजिए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 1/√2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 1/√2 है, आपने डिनोमिनेटर में इरेशनल देखते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा, जो मैंने बताया था, क्या बताया गया था कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस, उसमें क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है तो उसे रैशनलाइज किया जाता है। अगर ये √2 है तो √2 से हम क्या करते थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ऊपर √2 बचा और नीचे क्या हो गया, 2। अब हम डिवाइड करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर से,
किसी भी रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं किसी इरेशनल नंबर के, तो फाइनली हमें क्या देगा, वो इरेशनल नंबर क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 into pi, तो जैसा कि आप लोग जानते हो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई इसको लिखते हैं 3.14 एंड डॉट डॉट। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप तो क्या मिलेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डबल होगा, लेकिन इसका जो रिकरिंग प्रोसेस है वो खत्म नहीं होगा। अगर रिकरिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। सो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो गया ये। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो हो गया 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग के सामने। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, तो जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, और वहाँ पे बताया भी गया था कि किस तरीके से हमें इसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो इसे भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा बताया गया था सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज करना आपको, √3 + √3 और 2 × √2, है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 + √2, यहाँ पे प्लस है, प्लस √3, 2 + √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 से इन दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो पहले 2 से करेंगे, उसके बाद √2 से करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 मल्टीप्लाई √2, प्लस √3 मल्टीप्लाई 2, प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 × 3 = 6 हो गया यहाँ पे, और 3 यहाँ पे रैशनल पार्ट है और ये क्या है, इरेशनल पार्ट है। तो रैशनल पार्ट को पहले लिखेंगे और इरेशनल को बाद में लिखेंगे इनटू में, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी रैशनल पार्ट को सबसे पहले फिर इरेशनल पार्ट को लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो, अगर रूट रूट के आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसे एक रूट में रख के इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर रूट रूट वाले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आप लोगों को बताया गया था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब क्या करना है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा ये, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √6 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारा रैशनल पार्ट है वो सबके सबके हैं डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो इसे ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एज इट इज ऐसा छोड़ देते हैं, और यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अगर कोई इंटीजर पार्ट अलग से होता तो वो भी ऐड हो जाता उसके साथ, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये सब के सब क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स है, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 + √3, 3 − √3। आप ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है √3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ −3 मल्टीप्लाई √3, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका साइन जो है वो क्या है, प्लस में। अगर जिसका साइन नहीं दिया होता, आप लोग जानते हो क्या होता है, प्लस में होता है। तो अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में उसके साइन भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और रिजल्ट में उसका साइन, जैसे कि आप लोग जानते ही हो गए, प्लस प्लस अगर साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस देता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो भी हमें प्लस देता है, और डिफरेंट साइन होता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो क्या देते हैं, माइनस देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 − √3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई 3 − √3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 का 3 में,
3 मल्टीप्लाई 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 के पास क्या है, प्लस है, नहीं दिया हुआ तो प्लस है। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस रूट 3 से, यानी प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस रूट 3 से। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फाइनली जो हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा रैशनल पार्ट है और ये इरेशनल पार्ट है। सबसे पहले रैशनल पार्ट लिखेंगे और उसके बाद इरेशनल पार्ट लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से करना है आपको। तो चलो, हमने यहाँ पे देखा प्लस 3 और यहाँ पे माइनस रूट 3, तो हमारा फाइनली साइन क्या आएगा, माइनस, और 3 मल्टीप्लाई रूट 3। यहाँ पे प्लस है तो प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे देखो प्लस रूट 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस रूट 3, तो फाइनली माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ठीक है ना। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 3 9, और यहाँ पे रैशनल पार्ट पहले इरेशनल बाद में, और यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, रूट में 3 मल्टीप्लाई 3, और ये हमें देगा क्या, 9, क्या देगा, 9। और जैसा कि आप लोग जानते हो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो आप लोग इसको अगली लाइन में ही लिखना, मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ, क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्लस, ये हम चेक करेंगे कि हमारा जो रैशनल पार्ट है वो सेम है कि नहीं, तो हमने देखा यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे देख रहे माइनस 3 रूट 3 है और यहाँ पे प्लस 3 रूट 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है। हमारे को बचा क्या, 9 और यहाँ पे माइनस 3, हमारा आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 6। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे जो थर्ड आइडेंटिटी है उसे भी लगा सकते थे, है ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम पार्ट है दोनों, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर आप आईडी यूज करते हैं तो क्या करते है? पहले पार्ट का स्क्वायर और दूसरे पार्ट का स्क्वायर, दूसरे, ये पहला टाइप हो गया, मैं नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। आईडी लगाएंगे, यूजिंग आईडी एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आईडी यूज करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दो स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा ये, 3 3 9। और आपको बताया था मैंने, अगर रूट का स्क्वायर और रखा है तो रूट स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी अंदर होगा रूट के अंदर वही हमारी वैल्यू बचेगी, और हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, 6। ऐसे भी आएगा और वैसे भी होगा, आईडी यूज करके भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, जब मैं बता दूं क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया थर्ड क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आईडी यूज कर सकते हो आप लोग, देखो ध्यान से देखो कौन सी आईडी यूज हो रही है, यूजिंग आईडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आईडी यूज कर सकते हो जहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 5, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 2। हमने आईडी यूज किया, हमें क्या मिला, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट ए की वैल्यू रूट 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू रूट 2। तो यहाँ पे रूट स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फाइनली बचेगा क्या, 5। यहाँ पे इसी तरीके से 2 बचेगा, और यहाँ पे 2, और देखो रूट 5 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, रूट 10, क्या मिलेगा, रूट 10। तो वापस आ क्या जाएगा, 2 रूट 10, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या इंटीजर पार्ट है, ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएंगे, 7 प्लस 2 रूट 10। अब यहाँ पे ये हमारा इरेशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख के समझ गए होंगे कौन सी आईडी लगेगी, जाहिर सी बात है थर्ड आईडी लगेगी, है ना।
यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ माइनस में है और यहाँ पे क्या प्लस में है, तो यूजिंग आईडी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ पे पहले हमने प्लस वाला लिखा, यहाँ पे बाद में माइनस वाला लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 किया तब भी 6 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 किया तब भी हमारे क्या आएगा 6 ही आएगा, चाहे साइन अलग अलग हो तो भी क्या होगा, चाहे इसके पास माइनस हो चाहे 2 के पास माइनस हो तब भी माइनस 6 आएगा, तब भी माइनस 6 आएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई चीज। अब देखते हैं, ध्यान से देखना, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आईडी यूज करेंगे, यानी पहले टर्म्स का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हमें मिला 5, यहाँ पे मिला 2, आंसर क्या आ गया 3। कितना सिंपल है ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, खत्म होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगले लेक्चर में आप लोग को 3-4 बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है कमेंट करिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।